हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब देख रहे हो सोमाइटिंग जोन, सोमाइटिंग में आपका स्वागत है। सो गाइस, मैंने इस फोटो को कल ही इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था और आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस था। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि भाई इसका ट्यूटोरियल जल्दी लाओ, तो यार आज ही मैं इसका ट्यूटोरियल दे दिया हूँ आप लोगों को। बैकग्राउंड PNG का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लेना, मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कॉन्सेप्ट डालता रहता हूँ डेली। तो यार चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो यार चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो देखिए गाइस, सबसे पहले आप लोगों को इस वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर सब कुछ सेट कर दिया ऑलरेडी, आपको सिंपली इस बैकग्राउंड को ओपन करना है, फिर आप लोगों को आपका फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। आपको कुछ इस तरह से पोज देकर एक फ़ोटो को क्लिक कर लेना है, ठीक है। आप कोशिश करना कि लाइटिंग को थोड़ा एडजस्ट करने का, मतलब एक तरह का लाइटिंग आपके फ़ोटो भी होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे फ़ोटो में पूरा अच्छे तरीके से मैं लाइट को सेट करके फिर फ़ोटो को क्लिक किया था। तो इस तरह से एक फ़ोटो को क्लिक करना है, फिर आप लोगों को इसको ओपेसिटी फुल करके इरेज करना है, बैकग्राउंड को अच्छे से इसको इरेज कर लेना। हार्डनेस को थोड़ा बढ़ा के 95 इतना कर देने के बाद बैकग्राउंड को अच्छे से रिमूव कर लेना है। बैकग्राउंड को थोड़ा समय देके ठीक से आप इसको रिमूव कर लेना। तो देखिए गाइस, मैं अब बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से पूरा इरेज कर लिया हूँ, ठीक है। फिर इसको आपको इस फोटो के हिसाब से बड़ा छोटा करके एकदम एडजस्ट कर लेना है, फिर इसको डन कर देना है ऐसा। फिर आप लोगों को यहाँ पर बनाना है शैडो, फिर ऐड फोटो में जाने टेक्स्ट खुल गया है। फिर ऐड फोटो में जाने के बाद इस शैडो का PNG को यहाँ पर ऐड कर देना है, इसको छोटा करके, इसको थोड़ा इस जगह से पकड़ के इसको थोड़ा इस तरह से पतला कर देना है, फिर इसको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। फिर इसका ओपेसिटी थोड़ा कम करके इरेज कर लेना है, यहाँ पर इस तरह से इतना तक इरेज कर देना है इतना, ठीक है। फिर डन। फिर इसका एक डुप्लीकेट ले लेता है यहाँ से, ये देखो यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर है डुप्लीकेट और एक बन गया। फिर इसको थोड़ा छोटा करके इस पेड़ को यहाँ पर लगा दो, ठीक है। देख रहे हो कितना अच्छे से शैडो बन चुका है। फिर इसको और एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, फिर इसको रोटेट कर लेना है, इसको यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगा दो। ये थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो इसको इधर से यस कर देते हैं, फिर डन। फिर इसको और एक लेके यहाँ पर लगा लो, ठीक है, फिर डन। फिर आप लोगों को यहाँ पर ऐड फोटो करके यहाँ पर इस फैमरो को यहाँ पर ब्लेंड को स्क्रीन कर देना है, फिर इसको थोड़ा रोटेट करके ये ऊपर में लगा देना है इस तरह से। इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, इस तरह से आप लोगों को लगा देना है, फिर डन डन, ठीक है। फिर आप चाहो तो हैंड में टैटू भी लगा सकते हो, मैं आप लोगों को बहुत सारे टैटू का PNG दे दूंगा। ये रहा, आप लोगों को टैटू कैसे लगाना है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिंपली आप लोगों को यहाँ पर जाना है ब्लेंड में, ब्लेंड में जाने के बाद मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर एडजस्ट में चले जाना है, एडजस्ट में जाने के बाद सैचुरेशन को पूरा कम कर देना, ब्राइटनेस को बढ़ा देना इस तरह से। फिर एक बार डन कर लेते हैं, फिर इसको लगाएंगे हाथ में, इस तरह से लगाना है, इसको फ्लिप करना होगा। फ्लिप हो जाने के बाद इस तरह से बड़ा करके लगा देना है। फिर यहाँ से जाना है इरेजर में, इरेजर में जाने के बाद इरेजर को इसका हार्डनेस को बढ़ा के साइड से इसको रिमूव कर देना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है
इसको रब कर देना है, ठीक है इतना। फिर इसका हार्डनेस को कम करके नीचे से थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट इरेज कर दो, ऊपर से भी, फिर डन। ठीक है, इस तरह से आप पूरे हाथ में लगा सकते हो। मैं आप लोगों को एक लगा कर दिखाया हूँ, आप ऐसे पूरा हाथ में लगा सकते हो, फिर डन। फिर इस फोटो को सेव कर लेते हैं ड्रॉ टूल में जाके, 3 डॉट सेव इमेज। ठीक है, फिर इस फोटो को ले चलते हैं लाइट रूम के अंदर। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैं ऑलरेडी इस फोटो को ओपन कर लिया हूँ लाइट रूम में। मैं आप लोगों को एक पीसेट भी दे दिया हूँ। मैं आप लोगों को पीसेट इसलिए दिया था कि मैं जो फ़ोटो में टोन दिया था वो एकदम इस फोटो के साथ मैच कर रहा था, तो आप लोगों को मैं इसलिए वो पीसेट दे दिया हूँ ताकि आपको फ़ोटो भी ऐसे ही एडिट कर पाओ एकदम रियलिस्टिक तरीके से। ठीक है, फिर आप लोगों को 3 डॉट में जाना है, कॉपी सेटिंग कर लेना है, जो जो यहाँ पर अनटिक दिख रहा है उसको टिक कर लेना है, टिक करके एक बार डन कर लेना है। फिर आप लोगों को फ़ोटो में चले जाना है, फिर यहाँ पर 3 डॉट है, पेस्ट सेटिंग कर देना है। देखो जो टोन में दिया था फ़ोटो में सेम टू सेम टोन यहाँ पर डल चुका है। आप लोगों को कोई भी मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ एक क्लिक करना है और टोन डल चुका है। ठीक है, फिर आपके फ़ोटो के हिसाब से आप यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को बड़ा घटा के देख सकते हो, हाईलाइट को कम ज़्यादा करके देख सकते हो, कौन सा अच्छा लग रहा है, बस फोटो के साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, सेव टू डिवाइस कर लो, फोटो फुल HD में सेव हो जाएगा। तो गाइज ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।